Okay, guys. Eden Hazard. यार एक ऐसा प्लेयर जिसकी आप जितनी बात कर लो ना उतनी कम है मेरे हिसाब से, बिकॉज ही इज अ जनरेशनल टैलेंट, ही ऑलवेज हैज बिन। बट करियर की अगर बात करें तो काफी कॉम्प्लेक्स करियर रहा है। आई थिंक ही डिवाइड्स ओपिनियन ऑन अ लॉट ऑफ ओकेजन्स ऑल्सो। अब ऐसा क्यों है एंड मेडन हैजार्ड की क्यों बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज उन्होंने 32 साल की उम्र में, 32 बीइंग इन कैप्स हियर, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर ली है। अब यार अगर आप 7 या 8 साल पहले की बात करें तो मुझे नहीं लगता किसी ने ये सोचा था कि 32 के उम्र में वील सी ईडन हैजार्ड रिटायरिंग। इनफैक्ट गैरेथ बेल ने भी कुछ ही टाइम पहले अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है एंड सेम ईयर में ईडन हैजार्ड, मतलब टू ऑफ मेरे हिसाब से द प्रीमियर लीग्स ग्रेटेस्ट एवर विंगर्स आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक ही साल में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। लेकिन गैरेथ बेल के साथ वो वाली फीलिंग पर्सनली मुझे नहीं आई उनके रिटायरमेंट के बारे में सुन के, जो मुझे ईडन हैजार्ड के साथ आ रही है। एंड इट्स अ लॉट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस विद हैजार्ड। विद गैरेथ बेल आई थिंक दैट इफ यू वर टू मेजर हिज पोटेंशियल फ्रॉम 1 to 10, मेरे हिसाब से ही रीच्ड अ 7 और आई डेयर से इवन एन 8। बट अगर हैजार्ड की बात करें तो आई थिंक इट वुडेंट बी अबव 6, एंड द रीजन फॉर दैट इज प्योरली हिज लॉन्जेविटी एट द टॉप वॉज जस्ट नॉट गुड इनफ। गैरेथ बेल ने काफी सारे रिसेंटली भी चैंपियंस लीग फाइनल में गोल, मेमोरेबल गोल, बाइसिकल किक, बार्सिलोना के अगेंस्ट कोपा देल रे में जो रन था, वेन ही वेंट आउटसाइड द पिच देन केम इन एंड स्कोर्ड, दैट वॉज द विनर टू। 2014 के भी चैंपियंस लीग फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो रियल मैड्रिड ला डेसिमा जीते, उसमें भी एक्चुअली द विनर वॉज स्कोर्ड बाय गैरेथ बेल, ऑल्दो रियल मैड्रिड वन दैट गेम बाय 4-1। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गैरेथ बेल जो लेवल के प्लेयर थे उनको उनका ड्यू भी मिला। ऑफकोर्स ही हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट रियल मैड्रिड, वेल्स गोल्फ एंड रियल मैड्रिड इन दैट ऑर्डर, ये वो बहुत सारे तमाशे हुए क्लब के साथ। लेकिन अगर करियर की बात करें आई थिंक ही हैड अ फैंटास्टिक करियर, लेकिन ईडन हैजार्ड के साथ ऐसा नहीं कह सकते। एंड आई थिंक अ बिग रीजन फॉर दैट इज हाउ द लास्ट 4 ईयर्स ऑफ हिज करियर हैव गॉन सिंस ही मूव टू रियल मैड्रिड। बट अगर हम शुरुआत की बात करें तो ईडन हैजार्ड 2005 में लील ने, जो कि एक फ्रेंच क्लब है, लीगा में खेलते हैं, उन्होंने उसे स्पॉट किया एंड उसके 2 ही साल बाद 16 साल की उम्र में ही मेड हिज डेब्यू फॉर लील, जो कि हर रोज देखने को नहीं मिलता। अब आप बोलोगे कि भाई हाँ लमीन यमाल ने भी ये किया है, बट अगेन दैट इज वेरी वेरी रेयर एंड उस टाइम के लिए तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा रेयर था शायद। लेकिन ऑफकोर्स ही क्विकली कॉट द आई ऑफ स्काउट्स एंड वर्ल्ड फुटबॉल with his dribbling ability. और Eden Hazard में सिर्फ dribbling ability नहीं थी, because अगर आप उसका गेम देखें there are many dribblers, but जो flair होता है right, जो ऐसे players होते हैं जो even when they are not on the ball आप बस रुके होते हो कि कब इनको ball मिले and कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। Eden Hazard from a very young age was one of those players. In fact, he is one of the very few players जो फ्रांस में यंग प्लेयर ऑफ द ईयर और प्लेयर ऑफ द ईयर सेम साल में मल्टीपल टाइम्स जीते हैं। द ओनली अदर प्लेयर टू डू दैट इज, सोचिए, गेस कीजिए, आपको 2 सेकंड देता हूं गेस करने के लिए। जी बिल्कुल, किलियन एम्बापे। सो हैजार्ड इज इन एलीट कंपनी राइट, तो ये रोज रोज देखने को नहीं मिलता, मतलब तब से लेके अब तक सिर्फ ऐसे 2 प्लेयर्स हैं, मींस दैट देयर वाज समथिंग स्पेशल अबाउट हिम। उसके बाद 40 मिलियन यूरोस के लिए साइन फॉर चेल्सी, डैजल्ड देयर, और चेल्सी के लिए उनके मेरे ख्याल से 2 से 3 स्टैंड आउट सीजन थे। ही वॉज फैंटेस्टिक थ्रू आउट बारिंग प्रॉबेबली आई थिंक 1 सीजन विच वॉज द 2015-16 सीजन, द ईयर आफ्टर दे वन
the title with Jose Mourinho, where Hazard was fantastic. 2014-15 season, he was their best player and he won the title with Chelsea. Lekin 15-16 mein Chelsea ka hi aur Hazard ka bhi kafi ek bada dip aaya tha, lekin uske baad he picked up again, and until he was at the club till 2019, he was one of the best players in the world. Isme koi shak nahi hai. और आप आंकड़े देख लो यार, ही इज अ विंगर, राइट? ही इज सपोज्ड टू बी अ विंगर. तो एक विंगर के लिए, या इवन इफ ही इज प्लेइंग एज अ लेफ्ट साइडेड अटैकर इन अ फ्रंट थ्री, तो भाई 110 गोल 352 अपीयरेंसेस में. हैजार्ड मेरे ख्याल से वाज नेवर रियली नोन नेसेसरीली फॉर हिज गोल स्कोरिंग, बट दीज नंबर्स दे आर हाफ डिसेंट मैन. इनफैक्ट आई वुड से दे आर प्रिटी गुड फॉर समबडी हु इज नॉट अ स्ट्राइकर. एंड ड्रिबलिंग एबिलिटी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब वन ऑन वन की बात आती है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, प्रोबेबली द बेस्ट द प्रीमियर लीग हैज एवर सीन. आई थिंक द बेस्ट द प्रीमियर लीग हैज एवर सीन, पीरियड. बिकॉज ऐसे प्लेयर्स रोज रोज नहीं आते यार, वेयर यू पे अ टिकट टू वॉच देम प्ले, यू टर्न ऑन द टेलीविजन ओनली टू वॉच देम प्ले, यू आर ऑन द एज ऑफ योर सीट वेन दे गेट ऑन द बॉल. You're waiting in anticipation for when that player gets the ball. Aise players roz roz nahi aate. Hazard was a magician. He was an entertainer. That's what Hazard was. And maza aaya bhai. Matlab smiley bata rahi hai aapko ke how I'm going to miss watching Eden Hazard play. But I've already missed watching him play for a long time. Because 2019 mein jab उन्होंने उसके पहले भी काफी वोकल थे ईडन हैजार्ड हमेशा से इसके बारे में, दैट रियल मैड्रिड इज हिज अल्टीमेट ड्रीम. जिडान हैज ऑलवेज बीन हिज आइडियल एंड ही वाज एट रियल मैड्रिड. तो हैजार्ड का एट सम पॉइंट इन हिज करियर सभी को पता था दैट रियल मैड्रिड जाना इज गोइंग टू बी इमिनेंट, इट वॉज ऑलवेज इमिनेंट. बट 2019 में भाई 100 मिलियन यूरोज की साइनिंग करने के बाद, अगर आपको मैं एक स्टैट में हैजार्ड का टाइम एट रियल मैड्रिड सम अप करने कहूं, तो ये स्टैट वो होगा. हैजार्ड 100 मिलियन यूरोस की साइनिंग, एक भी एल क्लासिको में एक मिनट भी नहीं खेले हैं 4 साल में. लेट दैट सिंक इन गाइस, बिकॉज भाई आपने अगर किसी को 100 मिलियन में साइन किया है, इवन फॉर रियल मैड्रिड फॉर हूम 100 मिलियन इज लाइक भाई ये लो, 100 million yeah is big money, and he was supposed to be, like at Chelsea, he was supposed to be one of the most important players, if not the most important player, because Real Madrid mein there were other superstars as well. Karim Benzema bhi the us time pe wahan par, Vinicius Junior was just coming up, so there were other players, yes, but Vinicius Junior at 19 should have been on the bench, and Eden Hazard at 28 who should have been in his prime, should have been playing week in, week out for Real Madrid. But jo nahi hua, bahut sare injuries. Pehle hi saal mein bhai 100 million ke signing ke baad Eden Hazard reports to training overweight. Aur aapko maze ki baat batao, that Chelsea mein bhi ye kai baar hua hai, because Hazard was known to really enjoy his holidays. Lekin uski charcha kabhi utni hui nahi, because he always backed it up with results on the pitch. Lekin ultimately with age, Hazard's body and his neglect towards just health, fitness, and fitness of a footballer, certainly it started showing, right? Because aap agar 22 pe the things that you can get away with, aap shayad 28 pe or as you get closer to 30, aapki body same tarike se react nahi karegi. It's going to take a toll somewhere, and Hazard ke saath wo dikhne lag gaya. And I think that चेल्सी में बिकॉज ही यूज टू परफॉर्म, फैंस ने कभी इस बात के ऊपर या क्लब ने कभी इस बात के ऊपर मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन रियल मैड्रिड फैंस फॉर गुड रीजन आई वुड से, भैया अगर आपके आपके क्लब ने, मेरे क्लब ने अगर एक प्लेयर को साइन किया है 100 मिलियन के लिए और वो पहले ही समर में अराइव करते हैं ओवरवेट और अनफिट, तो ये कैसा इंप्रेशन एक दर्शाता है, तो फैन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. सो ईडन हैजार्ड डिडंट हेल्प मैटर्स बाय डूइंग दैट आइदर. और इंजरीज फॉलोड, बहुत सारे इंजरी, में कितने इंजरीज आए हैं ईडन हैजार्ड को, सम हैव बीन क्रॉनिक, सम हैव जस्ट आई मीन ही हैज पिक्ड देम अप इन मैचेस एज वेल.
पीएसजी के खिलाफ एक मैच खेला था, आपको याद होगा, बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे लेकिन इंजोर हो गए उस मैच में और फिर उसके बाद 6 महीने दिखे नहीं। तो हैज़ार्ड के रियल मैड्रिड करियर में ये बहुत देखने को मिला है। अगर आप बड़े मैचेस की बात करें तो ही इज फॉरगेट अबाउट परफॉर्मिंग इन द बिग गेम्स, ही इज नेवर रियली प्लेड इन द बिग गेम्स। और ये मेरे ख्याल से एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है अबाउट अ प्लेयर्स प्रेजेंस, इज व्हेन भाई आपने अंडर परफॉर्म करने का मतलब है कि एटलीस्ट आप पिच पे थे। Eden Hazard, even when Real Madrid won the Champions League last year, he was never even considered to be a first team player. अगर आप किसी pre-match show देखे, post-match show देखे, commentary देखे, कुछ भी देखे, Hazard का mention होता ही नहीं था. And for a high profile player like Eden Hazard to not even be mentioned when his team is playing one of the biggest games in world football, आपको पता है that भाई the player is on the decline or probably has already declined. बट nonetheless ये सारी बातें मेरे ख्याल से पिछले 4 साल में डिस्पाइट ईडन हैज़ार्ड नॉट प्लेइंग अ लॉट ऑफ फुटबॉल और एनी फुटबॉल रियली, द फैक्ट दैट हमें याद है हाउ गुड ही वॉज, हाउ डेविस्टेटिंग ही वॉज, वॉट काइंड ऑफ नाइटमेयर्स ही इज गिवन टू प्रीमियर लीग डिफेंसेज, द फैक्ट दैट लोगों को अब तक वो याद है एंड ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर दैट, मेरे ख्याल से इस टेस्टमेंट इनफ टू हाउ गुड ही वॉज एट हिज पीक। 2017 में जो आर्सेनल के खिलाफ गोल मारा, आई थिंक एस्टन विला के खिलाफ एक सोलो गोल था, देयर सो मेनी फैंटास्टिक गोल्स दैट ही, लिवरपूल के खिलाफ फ्रॉम द राइट जो गोल मारा था भाई लिवरपूल के लिए, मेरे ख्याल से आफ्टर थियरी ऑनरी दिस गाय हैज टेरराइज लिवरपूल मोर देन एनी वन एल्स इन द लास्ट 20 ईयर्स आफ्टर थियरी ऑनरी। तो बुरा तो लग रहा है ऑफकोर्स, आप मुझे बताना जरूर आपका आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर। मे बी यू डोंट फील एज स्ट्रांगली अबाउट इट, मे बी यू नो यू डिडंट रियली वॉच हिम वेरी क्लोज, बिकॉज ऐसा भी होता है, मुझे लगता है कि ये एक बायस हो जाता है व्हेन यू वॉच अ प्लेयर वेरी क्लोजली, तो आप एक इमोशनल आपका कनेक्ट बन जाता है उसके साथ एंड देन यू नो यू स्टार्ट ओवर एनालाइजिंग थिंग्स। सो आई माइट बी गिल्टी ऑफ डूइंग दैट अ लिटिल बिट इन दिस वीडियो, पर I genuinely think that he was the best dribbler that the Premier League has ever seen after Cristiano Ronaldo. And the reason I'm putting Ronaldo above him is because Ronaldo, जो 2007-08 और 8-9 में देखने को मिले, I think still phenomenal and the best after that Premier League ने वैसा winger नहीं देखा है with that kind of goal scoring, with that kind of flair. Eden Hazard definitely had that, but वो goal scoring थोड़ा lacking था, लेकिन भाई being second best especially next to somebody like Ronaldo or Messi is still a very very big deal, right? Hazard ne kuch time pehle bola bhi tha ke he will retire the moment he stops enjoying football, and kafi sare players mujhe lagta hai ki bolne ke liye ye bol dete hain bas ke bhai humko maza nahi aa raha hai to hum khelna chhod denge, lekin bahut kam players hai jo shayad ye actually karte hain, and to do that at the age of 32, what really breaks my heart is that we could have seen 4 or 5 more years of Eden Hazard at the top, but ये नहीं देखने को मिला। एक और pertinent point जो मैं यहाँ पे जिसकी बात करना चाहूँगा वो ये है, I'm not really sure how relevant this is, but it could be a factor। जहाँ पे तो 2014-15 season में when Mourinho was Chelsea manager and Hazard was at his very best, Mourinho ने बोला था कि if the Premier League and the referees association, if they don't do anything about the kind of tackles that Eden Hazard is having to endure, matlab if there isn't stricter action taken, because aap ek agar behtareen dribbler ho to bhai aap chote to defender se khane hi wale ho, isme koi shak nahi hai, lekin Mourinho ne point out kiya to protect his player that agar if nobody addresses this we might not have the same Eden Hazard a few years down the line, because this is too much for anybody to endure. So, in hindsight, was Mourinho right? Was it that he was not able to endure those things and that's the reason why he kind of disappeared into oblivion? Could be one of the factors. He didn't help matters, jaise humne burgers aur uski baat kari, overweight aa gaye and things like that. So that is of course in a player's control, but oftentimes a lot of injuries, think of Michael Owen, think of Fernando Torres and so many other players, जो इंजरीज होते हैं वो
काफी सारे प्लेयर्स अनलकी भी हो जाते हैं उसके साथ. सो हैजार्ड के साथ मेरे ख्याल से इट वॉज एन अमैल्गमेशन ऑफ बोथ. बट एनी वे आई कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट हाउ फैंटेस्टिक ईडन हैजार्ड वॉज. बेल्जियम के गोल्डन जनरेशन में भी अनफॉर्चुनेटली दे वरंट रियली एबल टू विन एनीथिंग. अ थर्ड प्लेस फिनिश एट द 2018 वर्ल्ड कप वॉज द बेस्ट दैट दे कैन डू. लेकिन भाई 2018 में यूट्यूब पे जाओ, ईडन हैजार्ड वर्सेस ब्राजील 2018 वर्ल्ड कप ये डालो एंड जस्ट एंजॉय द ईडन हैजार्ड शो. ऐसे बहुत वीडियोज मिल जाएंगे आपको, बट दैट वीडियो इन पर्टिकुलर भाई, ही जस्ट गेव मार्सेलो अ नाइटमेयर इन दैट गेम एंड द एंटायर ब्राजील टीम अ नाइटमेयर. That's how good he was. All right then, I really wanted to make this video because yaar ek tribute to banta hai. I wanted to almost vent all that I had inside of me because I feel very strongly about Eden Hazard. Will always be a fan of his, will always rewatch a lot of his stuff, and just a little unfortunate that he had to retire so early and we couldn't see more of Eden Hazard. आपके ईडन हैजार्ड के बारे में क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना. और मैं अब आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में.